आरबीआई ने आज नई मौद्रिक नीति की समीक्षा जारी कर दी है और तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ब्याज दरों में बदलाव का ऐलान नहीं किया है। इसके साथ ही बचत खातों में रुपए निकालने की सीमा 13 मार्च के बाद खत्म कर दी गई है। रेपो रेट को 6.25% और रिवर्स रेपो रेट को 5.75% ही रखा गया है। वहीं बाजार को उम्मीद थी कि कम से कम 0.25% की कटौती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पॉलिसी के बाद अगली पॉलिसी तक होम और कार लोन की दरें घटने की उम्मीद कम है। पहले अनुमान जताया जा रहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाली यह समिति आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ब्याज दर में कटौती की सिफारिश कर सकती है। हालांकि एक राय यह भी थी कि कच्चे तेल के दाम में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के दबाव के खतरे को देखते हुए इस बार नीतिगत पद पर आरबीआई यथास्थिति बनाए रखेगा। हालांकि आरबीआई ने 28 फरवरी से बचत खाते से हर हफ्ते पैसे निकालने की लिमिट 50,000 रुपए कर दी है। इसके साथ ही 13 मार्च के बाद सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट को हटा लिया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बाजार को निराश किया है। उम्मीद के विपरीत ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि अब बैंक से कैश निकासी की सीमा बढ़ा दी गई है और 13 मार्च के बाद निकासी की सीमा हटा दी जाएगी, जो राहत की खबर है। देखते रहिए डीबी लाइव।